गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज अविनाश घोरपड़े. टुडे वी आर गोइंग टू सी अ टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दिस टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैज सो मेनी टाइप्स. एंड सपोज यू आर प्रिपेरिंग फॉर एमपीएससी, यूपीएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशंस, दैट यू नीड टू गो थोरली थ्रू एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक्स, एवरी सब टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर जनरल इंग्लिश, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड दैट टू थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर टर्म है क्या, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आप बात कर रहे हैं वो क्या है, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, हम ये देखने जा रहे हैं अभी. आज हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, शायद ही पहले अब हमने पहले बाहर कहीं इंग्लिश क्लास में गए होंगे तो हर टीचर ने हमें एक बात पहले सिखाई है. आपको शायद पता होगा, उनका एक आइकॉनिक सेंटेंस होता है, कोई भी टीचर जब पढ़ाते तो बेसिकली वो टेंस पढ़ाते हैं, और टेंस में भी वो ये पढ़ाते हैं हमें. क्या पढ़ाते हैं? आई ईट अ मैंगो. अगर ये नहीं पढ़ा पढ़ा है आपने किसी टीचर ने, तो आपको ये चीज तो बिल्कुल पढ़ाई होंगी, आई राइट अ लेटर. मुझे बताओ ये दो सेंटेंस आपने पढ़े कि नहीं, यही सेंटेंस आपने बुक में पढ़े हैं, यही सेंटेंस आपके इंग्लिश टीचर ने आपको सबसे पहले पढ़ाए. लेकिन क्या आपके वो इंग्लिश टीचर ने ये आई प्रोनाउन नहीं लिया होता, या फिर ये यहाँ का आई प्रोनाउन नहीं लिया होता और इसके जगह अगर उसने ही या फिर शी नाम का पर्सनल प्रोनाउन लिया होता, तो क्या ये सेंटेंस सही से होता? क्या ये सेंटेंस सही होता? ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं होता. ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, ही ईट अ मैंगो, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है. वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमें इसके लिए एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो चीज है थर्ड पर्सन सिंगुलर की, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो शायद वो साथ में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. तो एग्रीमेंट के लिए बेसिक सा एक रूल इंग्लिश में बना हुआ है, वो समझने की कोशिश करते हैं. ये रॉन्ग क्यों है ये भी बताऊंगा, और ये राइट क्यों है ये भी बताऊंगा. सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं कि भाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको पढ़ना है, तो थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं वो तो पहले सीख लो. अब हम वो सीख लेंगे. मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग टू यू, आई, सो आई माई सेल्फ यू नो कंसिडर फर्स्ट पर्सन. आप कभी भी खुद को पहला पर्सन कंसिडर कीजिए, वो आप पहले पर्सन होते हैं. अगर मेरी जगह और कोई एक मेरे साथ मेरा पार्टनर होता और हम दोनों आपसे बात करते, सो वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन, हम दोनों भी फर्स्ट पर्सन होते और हम खुद को वी बोलते. इट मीन्स दैट आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आपको समझ में आ चुका. मेरे सामने बहुत ऑडियंस बैठी हुई है अभी, एंड आई एम टीचिंग टू देम. जो मेरे सामने वाली ऑडियंस है, दे आर ऑल फॉर मी सेकंड पर्सन, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है क्योंकि आई एम टॉकिंग टू देम. अगर वो मुझसे बात करने लगे तो वो खुद को फर्स्ट पर्सन बोलेंगे और मुझे राइट सेकंड पर्सन बोलेंगे. सो इसका मतलब ये है कि अभी आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, मेरे सामने वाली ऑडियंस जो लिसनर होती है हमेशा ही वो सेकंड पर्सन होती है. एंड सेकंड पर्सन इज यू ऑलवेज. यू कैन बी अ सिंगुलर, यू कैन बी अ प्लूरल. यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है. सो सेकंड पर्सन इज यू सर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन. हाँ मुझे पता है कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, मेरे सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर कोई एक मैम आ जाती है बीच में नॉक करके, सर मे आई कम इन, तो वो कौन सी पर्सन है? ऑब्वियसली थर्ड पर्सन है, बिकॉज शी इज नॉट यू एंड मी, तो वो इसलिए थर्ड पर्सन है, और वो लेडी है इसलिए वो शी है. अगर एक सर आते तो हम बोलते कि ही, और ही भी थर्ड पर्सन हो जाता. फिर सर क्या हुआ, फिर दोनों साथ में आते तो फिर बन जाता दे इसका. और ये ईट भी लिखा हुआ है सर आपने, जब कभी फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ के बाकी बचे हुए पूरे ऑब्जेक्ट जो है वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं. इट का मतलब मैं इस ब्लैक बोर्ड के, इस ग्रीन बोर्ड के लिए भी यूट यूज कर सकता हूँ, मेरे पास के मोबाइल के लिए भी मैं यूट यूज कर सकता हूँ, तो ये भी थर्ड पर्सन हुए ना, इट्स नॉट यू एंड मी.
तो ये तीनों पर्सन का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। बेसिकली हमारा कंसर्न जो है वो इसके साथ है, थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर। इसके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ वर्ब का रूट फॉर्म आ जाता है, रूट फॉर्म, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो वैसे ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइक नाम का वर्ड है तो वो लाइक ही रहेगा, ना इसको यस लगेगा ना यस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर के साथ। वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, रूल क्या बने हुए हैं इसके लिए। सर हमें बेसिक रूल बता दो। एक तो ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल जो है वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब का रूट फॉर्म आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पहला फॉर्म जहाँ वर्ब का आता है उसी टेंस में ये रूल अप्लाई होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, क्योंकि बाकी सभी फॉर्म में वर्ब का रूट फॉर्म नहीं होता है। समझ में आ चुके आपको बात? तो इसी फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ माय पॉइंट इज कि आप मुझे बेसिक चीजें बता दो फटाफट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए और ये बहुत मैजिकल है। आप तक जितने भी लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होंगी या ग्रामर पढ़े होंगे उनको भी लगेगा कि भाई आज कुछ नया सीखने को मिला है, ये सर आपने कुछ नया पढ़ाया आज। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। एक्सप्लेन सर, मेरे पास एग्जाम्पल है, ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट है, उसके सामने आपको लाइक्स लिखा मैंने, मतलब यहां ईएस लगाया सर आपने, वाई नॉट लाइक, क्योंकि वो रूल बोलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां सिंगुलर वर्ब लिखा, यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट था। लेकिन ये सिंगुलर हमें कैसे पता चलेगा? एक बहुत मैजिकल चीज मैं बताने जा रहा हूं अभी, शायद आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको पता है किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए उसको लगाया जाता है, बेटा उसको क्या लगाया जाता है? यस, ईएस या फिर आईएस लगाया जाता है और फिर बनता है वो प्लूरल, कोई भी नाउन हो। एग्जाम्पल लू मैं, अगर मुझे कैट का प्लूरल करना है, कैट का, तो इसको मैं लगाऊंगा यस, बन गया प्लूरल। अगर मुझे डॉग का प्लूरल करना है तो लगाऊंगा यस, बन गया प्लूरल। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं बोगी नाम का एक वर्ड है, बोगी को अगर मुझे प्लूरल करना है, बोगीज, आईएस, तो बन गया प्लूरल। मतलब किसी भी नाउन को अगर आपको प्लूरल करना है तो यस ईएस आईएस लगाना पड़ता है। अभी ये रूल वर्ब के लिए थोड़ा सा अलग है। अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो उसको आपको, और ये चीज वर्ब के लिए अलग है। आपको पता है वर्ब जो है वो खुद में ही प्लूरल होता है, मतलब जैसे वो बर्थ लेता है वो प्लूरल ही लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइक वर्ड जब बना, दिस इज अ रूट वर्ब, इसको कुछ लगा हुआ नहीं है कोई प्रीफिक्स सफिक्स, ये जो है ये इटसेल्फ प्लूरल है माय डियर फ्रेंड। इसको अगर आपको सिंगुलर करना है तो आपको यस ईएस या फिर आईएस लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा ये, तब जाके ये सिंगुलर बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम वही देख रहे हैं कि ही सिंगुलर है, और आपने अभी भी बताया है सर कि ये वर्ब जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर करना है तो यस लगाओ, यस लगाओ या फिर आई एस लगाओ। तो मैंने इसको सिंगुलर करने के लिए यस लगा दिया, यहां लगा दिया है मैंने यस, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब वही रूल मैं नीचे भी बता रहा हूं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, दे इज अ प्लूरल, मोर देन वन, दे प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो दे लाइक, सर आपने यहां कुछ भी नहीं लिखा है, ना यस लिखा है ना यस ना यस, कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि अभी आपने बताया है कि जो वर्ब होता है, जो रूट फॉर्म में वर्ब होता है वही उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अगर उसको यस लगाओगे, यस लगाओगे या फिर आई एस लगाओगे तो वो बन जाता है सिंगुलर, तो वो बन जाता है सिंगुलर। इसीलिए ये दोनों एग्जाम्पल और ये
अगर आपके पास रहे हमेशा तो आपको हमेशा ध्यान में आएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। समझ में आएगा? जैसे अभी आपको ये नीचे वाला सेंटेंस भी समझ में आ चुका होगा कि सर आपने यहाँ लिखा है कि आई ईट अ मैंगो, ठीक है, ये सेंटेंस राइट है, लेकिन आपने बताया था कि ही ईट अ मैंगो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? देख रहे, चेक, रियलिटी चेक कर ले एक बार। ही जो है ये है सिंगुलर वर्ब, आपने बात की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, आपने बात की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ईट क्या है फिर? ईट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक बार फिर बता रहा हूं, इट्स अ प्लूरल, क्योंकि वर्ब का रूट फॉर्म हमेशा ही प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर करना है तो आपको उसको लगाना पड़ेगा यस, यस या फिर आई एस। तो ईट को लगता है यस, मतलब ये ऐसे होगा इट्स, अब बन गया सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दैट इज ऑल, खेल खत्म। इतना इजी रूल है, लेकिन किसी भी क्लास में शायद ही किसी टीचर्स ने ऐसे रूल्स बता के टेंस की शुरुआत की होंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेंटेंस है। वही चीज इसमें भी है, आई राइट अ लेटर, ये सेंटेंस राइट है, लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि शी राइट अ लेटर, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो क्या ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? तो आपको समझ में आएगा कि सर शी जो है वो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, और राइट जिसका रूट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर के लिए ये प्लूरल है, इसको यस लगाना पड़ेगा, तो राइट्स हो गया। अब ये सेंटेंस राइट है, शी राइट्स, दिस इज ऑल। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, शायद फिफ्थ स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए, ये समझो। और दिस इज अ वन टाइप अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देर आर अराउंड 20 to 25 वेरी इंपॉर्टेंट सब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत है, जैसे मैंने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन ये पहला टाइप है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा है कि सब्जेक्ट आपने बोला है कि सर वर्ब को जो है आपने बोला है कि वो सिंगुलर करना है, तो उसके लिए लगाना पड़ता है यस, ईएस या फिर आईएस। हमें ये भी बताइए ना सर आप कि यस कहाँ लगना है, ईएस कहाँ लगना है और आईएस कहाँ लगना है, इसके सेपरेट रूल्स है। तो कौन से वर्ब के सामने यस लगाना है, कौन से वर्ब के सामने ईएस लगाना है, या फिर कौन से वर्ब के सामने आईएस लगाना है, ये चीज़ें हम डिटेल में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन से वीडियो को यस, कौन से वर्ब को यस, कौन से वर्ब को ईएस और कौन से वर्ब को आईएस लगाएंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे। उसके भी एक सेपरेट रूल्स है और बहुत सारी एक्सरसाइज उसके साथ और भी देखेंगे। आज हमने बेसिक रूल पढ़ने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें से भी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला रूल हम पढ़ रहे हैं। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, मतलब ये थर्ड पर्सन है, उसमें से भी सिंगुलर वाले सब्जेक्ट हमने देखे, जैसे हमने देखे हैं यहाँ देखे हमने ही, यहाँ हमने शी देखे, तो इसके एग्जांपल्स देखे। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ सेट करके रखा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, एग्जाम्पल के साथ। और हर दुनिया के सभी तरह के जो रूट वर्ब्स है वो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उसको यस लगाओ, ईएस लगाओ या आईएस लगाओ, उसके बाद बन जाते हैं वो सिंगुलर। ऐसा सब्जेक्ट के बारे में नहीं होता, ऐसे नाउन के बारे में नहीं होता। नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है किसी भी, जैसे मोबाइल की बात करो, मोबाइल इज अ सिंगुलर वर्ड, उसको यस लगा दो मोबाइल्स तो बन गया प्लूरल, मतलब यहां यस लगने के बाद वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब को यस लगने के बाद वो सिंगुलर बन जाता है। यही एक उसका बेसिक मैजिक है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी तो ये चीजें आपने ध्यान में रखी और एक्सरसाइज करके देखा आपने घर में बहुत सारे सेंटेंस, तो आपको समझ में आएगा। इसको और डिटेल भी पढ़ सकते हैं हम, या पढ़ना चाहिए, वो आने वाले हमारे सेकंड पार्ट या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो आज के लिए ये पार्ट यही तक मैं रोकता हूं, आपको ये बेसिक चीजें पढ़नी है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने दो सेंटेंस बना के दिए हैं, ऐसे 10 सेंटेंस आपको आपके घर में भी बनाने हैं। समझना है चीजों की कि क्या कर रहा है, isn't it? आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही या शी फिलहाल ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे, या फिर ही शी के साथ किसी का नाम भी ले सकते हो। मैं शी की बात कर रहा हूं तो मैं वाई शुड आई नॉट टेक कटरीना, अगर मैं ही की बात कर रहा हूं तो मैं सलमान या शाहरुख खान की बात क्यों ना करूं। सलमान भी ले सकते हैं आप, शाहरुख भी ले सकते हैं, फिलहाल ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। ही या शी प्रोनाउन के अलावा दुनिया के जितने भी नाम है जो सिंगुलर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उनके एग्जाम्पल्स को लेके भी आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रोहित शर्मा का एग्जाम्पल लेता हूं,
रोहित हिट्स अ बॉल, रोहित हिट्स अ बॉल, मैंने हिट्स को यस लगा दिया है, यस लगा कि उसको मैंने सिंगुलर कर दिया है उस हिट वर्ब को, लाइक तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो शायद हम ले सकते हैं। आज मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा के आपको छोड़ रहा हूँ, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आने वाले समय में या इसका सेकंड पार्ट में हम इसके बहुत सारे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन विथ हाउ टू यूज़ और हाउ टू एड एस टू द वर्ब, ई एस टू द वर्ब और आई एस टू द वर्ब, ये हम कल देखेंगे। This is for all. We have got very big board today actually, green board. So I'll leave you with this board. You can take a screenshot of this so that you can refer it later on. If you have any query regarding this video, you can ask me personally on my WhatsApp account. This is for today. Thank you so much.